बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल आप साथ की वीडियो शेयर की जी, जिसमें मैंने आपको बताया जो इंपोर्टेड चीज़ें हैं पाकिस्तान में बैन हो चुकी हैं, आप सऊदी अरबिया, अरब अमारात या कहीं भी आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान में सफर कर रहे हैं, तो आप क्या जो हम जरूरत की चीज़ें साथ लाते हैं उनके ऊपर क्या तफसीलात सामने आई हैं, यानी कि वो भी हमें अभी हम बैग भर भर कर जो टिकट के साथ वजन होता है वो हम ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे, वो क्लियर किया था उस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अपने जो मेरे ये मोबाइल्स हैं जी मेरे पास, इनके मुतल्लिक क्लियर करूँगा। ये पहले आप देख लें जी, जो कि सऊदी अरबिया से ही खरीदी गई तमाम तरह वैरायटी है, और ये वॉच भी देख लें जी, और साथ में ये भी देख लें जी, ठीक है। ये तमाम तरह चीज़ें मैंने वहीं से परचेज़ की हुई हैं, और जाहिर सी बात है मेरा काम था, नेट के ऊपर काम वगैरह चलता रहता था, और इसके लिए डिवाइस मैंने दो तीन रखी हुई पास में अपने मोबाइल यानी के। तो बात ये है जी कि ये बंद हो गई हैं, इनके मतलब क्या तफसीलात सामने आई हैं इस वीडियो में ये क्लियर करूँगा। अगर आप सऊदी या पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रखे हैं या करना चाहते हैं, या आप आ चुके हैं, तो आपको इनके मतलब मैं थोड़ा इस चीज़ से अपडेट करूंगा। बात यह है, सबसे पहले मैं इस वॉच के मतलब बता दूं, ये देख रहे हैं जी, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, इसमें आप क्लिक करते हूँ, मैंने यौमुल वतनी यानी कि यौमुल वतनी के ऊपर ली थी कारफोर मार्केट जद्दा में आजी, और वहाँ से डिस्काउंट के ऊपर मैंने परचेज की, 7-8 माह हो गए, वाटर प्रूफ है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अभी पाकिस्तान में बंद हो चुकी है, यानी कि वॉच टाइम दिखा रखी है। आप इसका सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं, जो मोबाइल के इसके बेसिकली मकसद ये होता है कि जो मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह आ रखे हैं वो आपको इसके ऊपर खुद से दिखाई देते रहे, आपको ये अलार्म करती रहती है, कॉल वगैरह भी आती है। तो उसके अलावा आप वॉक वगैरह कितनी करते हैं, बीपी वगैरह जो भी है जी, सारा सिस्टम भी इसमें आता है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन नेट वाला सिस्टम इसमें बंद हो चुका है। आगे वालों के ये एयरबड्स थे मेरे पास, ठीक है जी, आप देख रखे हैं, तो ये भाई अभी चल रखी हैं, म्यूजिक वगैरह इनमें चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, ये डिवाइस है जी, मुझे एक झटका लगा है इस चीज़ के ऊपर, मैं आपको इसके मतलब क्लियर करता हूँ। ये मोबाइल XTC का मैंने वहाँ से परचेस किया, जद्दा फलस्तीन मोबाइल मार्केट से। अच्छा, इसकी वीडियो इंशाल्लाह किसी दिन मैं अलग से शेयर करूँगा आपको, मोबाइल उसमें कम्प्लीटली तफसील से दिखाऊंगा, पकड़ कर ऑन करके चलाकर, और ये कितने का लिया ये भी आपको उस वीडियो में क्लियर करूँगा। एक अच्छी डिवाइस है, मैंने 10 साल यूज़ किया, वो XTC अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भाई ये भी पाकिस्तान में 7 दिन के बाद बंद हो चुका है। ये मैंने एक मोबाइल लिया, जब तक कॉनिश में काम करता था वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था कैमरे वाला, तो वहाँ पर अंदर काम करता था, और ये भी पाकिस्तान में आकर बंद हो चुका है। ठीक है जी, अभी वॉइस आके वॉच टू मोबाइल्स आपको दिखा चुका हूँ मैं, ये जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एक मोबाइल मैंने वहीं से परचेस किया, और ये भी बंद हो चुका है। मैं फिर भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने वहाँ से मैं S22 Ultra जो सैमसंग का न्यू मॉडल आ चुका है वो परचेस करने वाला था सऊदीया टू आने के टाइम, लेकिन मैंने फिर नहीं लिया, मैंने बोला कि ये अभी यहाँ से ले लूँगा तो वहाँ पर जाकर वो फिर बोलेंगे 50-60 हज़ार रुपये या इससे भी ज़्यादा हो सकता है इसका टैक्स मांग ली, तो बच गया मैं, वरना वो भी अभी तक बंद हो जाता। ये एक डिवाइस थी जी मेरे पास जो ओप्पो वालों की, जो कि मेरे पास उधर थी सऊदीया में, पाकिस्तान से मंगवाई थी, और ये चलती है अभी भी, चल रखा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान से ही गया था, ये PTA प्रूफ है, ये चल रखा है। झटका इस चीज के मुझे ऊपर लगा वो ये है जी, हवावे वालों की वाईफाई, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका था, मैं सभी जिजान वाली साइट से ये परचेस की थी, वहीं पर आपके साथ वीडियो इसकी शेयर की थी तकरीबन आज से 1 साल पहले, तो ये वहां पर परचेस की, इसमें आप कोई भी सिम चला सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जैन की सिम, जैसा कि पाकिस्तान में मिलती है जोंग की डिवाइस है उसमें जोंग की सिम चलती है, वैसे ऐसा नहीं है, इसमें आप कोई भी डिवाइस चला सकते हैं। बैटरी वगैरह भी इसकी अच्छी है, 4G है जी, 5G भी नहीं है, तो 250 रियाल में मैंने परचेस की थी, और इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो आप मोबाइल तो नहीं ना चला रहे हैं, कोई नेट तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन इसमें सिम तो भाई चलती है ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हुक्म के मुताबिक मेरी ये डिवाइस भी बंद हो चुकी है, यानी कि कल वाली वीडियो में जो क्लियर कर चुका हूँ आपको मैं कि इंपोर्टेड तमाम चीज़ें बैन कर दी गई हैं, उसी से रिलेटेड ये डिवाइस भी मेरी बंद कर दी गई है 60 दिन के बाद। अभी ये सिम इसमें चलती नहीं है, ये फारग है जी मेरी तरफ से। अभी इसका टैक्स वगैरह के मुतल्लिक मैं आपको क्लियर करूँ, HTC ये जो मोबाइल आप मेरे हाथ में देख रखे हैं M9 Plus, इसका भाई 8,000 रुपया मांगा जा रहा है, कितना 8,000 रुपया इस एक मोबाइल का, और इसके अलावा अगर हम बात करें उसी हिसाब से, अगर डिवाइस के मुतल्लिक बात कर लें तो इसका वो 3,000-4,000 तो कन्फर्म बात है इसका लेंगे, वो 3,000 तो कन्फर्म है, इससे ज्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे, बहरहाल मैंने ये पूछी नहीं, फिर मैंने बोला चलो मोबाइल में सिम डाल लेते हैं, वहीं से वाईफाई यूज करते हैं फिलहाल। तो ये पाकिस्तान में मेरे मोबाइल जो मैं लेकर आया यहाँ पर बंद हो चुके हैं 60 दिन के बाद, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 120 दिन कर दिए गए हैं, लेकिन वो ऐलान ही साबित हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं आया, ये मोबाइल बंद हो चुके हैं। और अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ,
मोबाइल्स वगैरह के ऊपर टैक्स डबल किए जा रखे थे, ये सुनने में आ रखा था। लेकिन अभी तमाम तर वो चीज़ें जो बाहर से पाकिस्तान में लाई जा रही हैं वो बैन कर दी गई हैं, पाकिस्तान में वो इंटर नहीं हो सकती। तमाम ऐसे कारोबार वाले हजरात जो बाहर से चीज़ें खरीदते थे पाकिस्तान में सेल करते थे वो अभी फारग हो चुके हैं, उनके कारोबार ठप हो चुके हैं। इम्पोर्ट बाहर से आप चीज़ें इम्पोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप बाहर से आ रहे हैं, इस वीडियो में फिर आपको बताऊँ मैं, बाहर से आप आ रहे हैं अपने साथ जो आपका 40-50 किलो वाला वजन है आपका एयर टिकट का, वो आप ला सकते हैं अपनी जरूरत की चीजें। उसमें भी मोबाइल डिवाइस 4-5 मोबाइल मत लाइएगा, एक दो ज्यादा से ज्यादा 3 मोबाइल लाइएगा, वरना आपको एयरपोर्ट के ऊपर मुश्किल होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी डिवाइस है जी, उनसे परहेज कीजिएगा, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मोबाइल के मुतल्लिक खास एहतियात कीजिएगा, एक दो पीस 3 पीस ज्यादा से ज्यादा लाइएगा। वैसे मैं तो अभी 4-5 पीस लेकर आया हूँ, यानी कि ये 3 मोबाइल तो मेरे साथ थे, एक और था 4 और एक ये वाईफाई और ये रॉक्सॉन एंड ये आंखें वालों के एयरबड्स वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें थी मेरे पास। लेकिन मुझे नहीं पूछा गया, उस टाइम तो पाबंदी नहीं थी इम्पोर्ट चीज़ों के ऊपर, लेकिन अभी लग चुकी है तमाम तर इम्पोर्ट चीज़ों के ऊपर। तो एहतियात कीजिएगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के मुतल्लिक।